गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। तो गाइज, अभी मैं हूँ पहाड़ी पैराडाइज में और सुबह के बज रहे हैं 9 और मौसम बहुत खुशनुमा है दगड़े, शानदार मौसम है। तो इस शानदार मौसम के बीच में हम एक सुहाना ट्रिप बनाने की सोच रहे हैं और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी न्यू टी शर्ट। तो दोस्तों, आज हम एक शॉर्ट ट्रिप करने जा रहे हैं जो कि एक दिवसीय या दो दिवसीय भी हो सकता है। मौसम मेहरबान हुआ तो दो दिवसीय होगा, वरना एक दिवसीय भी हो सकता है। हल्दड़ आई बात, आज मौक मिरणा कत्ती भैर जाना किले की रंजनाक मंडे टू फ्राइडे ऑफिस हूँ, सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी हूँ। मतलब कजना कपड़े धोने जानी, कजना कच्छ धोने जानी, ठीक सो ना। और कभी ये पूर्ण पच्ची इतनी रिश्तेदारी हमारी हल्द्वानी में निपटाने हो जाते हैं दोस्तों। कब तक कह कहाँ जाओ, उका पिट्ठा न लगा रहा, वह पिट्ठा न ले रहा, उका गौ न लगा रहा, इतनी चीज़ें होती हैं पहाड़ के रिचुअल्स में ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो यही सब फॉर्मेलिटीज पूरी करने में टाइम लग जाता है। तो आज हमारा पंगोट और चुरानी घूमने का प्लान है जो कि नैनीताल के पास में पड़ता है, नैनीताल से लगे हुए गांव है दोस्तों। आज तक मैं आपको पहाड़ी बाघली के घोड़ दिखाता था, पर आज मैं आपको पंगोट दिखाऊंगा। जो लागण भाई दगड़े हो कसी चाहिए आज में, हमारे पास फोर व्हीलर भी नहीं है दोस्तों, सोरेशनल के दिए ना। रंजना, बारिश लगने लग गई। ये देखिए दोस्तों, हमारे दोनों के पासपोर्ट, ये मेरा पासपोर्ट, एक रंजना का पासपोर्ट, आप देख सकते हैं। इसके अभी कुछ काम हमें निपटाना है। मोहब्बत बरसा देना तुम, मौसम आया, सावन आया। अच्छा अच्छा, सॉरी, सावन आया। और सच में सावन आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश लगने लगी है। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, शायद इसी वजह से बादल बरस रहे हैं। आई लाइनर लगाया जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बारीकी का काम है। आंख मत खोज देना, आ गई। जो लड़कियाँ दोनों आंखों में बराबर आई लाइनर लगा लेती है ना, हाँ, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। क्या बात कर रहे हो, इतना टफ टास्क है क्या ये? और क्या। तो दोस्तों, ये है आई लाइनर, मतलब काजल का आप इसको अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं। काजल का एक भाई दिल्ली चला गया पढ़ने लिखने, तो वो आई लाइनर बन गया दोस्तों। रंजना, मौसम देख के मुझे क्या लग रहा है पता है? बनी ठनी बेरा रंजू, तू भतरा रहे जाली, तू झंझाए पंगोटा, जुग लगी जाला, स्कूटी रड़ी जाली। तो दोस्तों, सुबह के 10:30 बज रहे हैं और रंजना मुंह फुला के बैठी हुई है। ये बेचारी का कब से प्लान था, वीकेंड आएगा तो घूमने जाएंगे घूमने जाएंगे, लास्ट में सरग ने दखा कह दिया दगड़ियों। किसने कह दिया दखा? सरग ने। सरग मतलब? सरग मतलब आकाश, मौसम, स्वर्ग। स्वर्ग का पहाड़ी वर्जन सरग। हमारा पति तुम्हारे पास है, ठीक है, इतने अच्छे घर में हम रह रहे हैं, ठीक है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो यही पकौड़ी वकौड़ी बनाते हैं, यही एंजॉय करते हैं। क्या मैंने पति के लिए शादी नहीं करी थी ना, पति तो मिल गया मुझे। किसके लिए की थी? मैंने घूमने फिरने के लिए करी थी। वो तो तुम अकेले भी घूम सकती थी, मेरे को कंपेनियन नहीं मिल रहा था ना घूमने के लिए, कोई बॉयफ्रेंड बना लेती। बॉयफ्रेंड तो बनाया था, पर फिर वो बॉयफ्रेंड कहने लगा कि अब मतलब शायद हस्बैंड नहीं बनाओगे तो फिर मैं जाता हूँ। अच्छा, इस डर से फिर मैंने कि अब घूमने फिरने का कंपेनियन चला जाएगा, इसलिए मजबूरी में शादी हुई है। मतलब सुंदर लग रही हो यार तुम। थैंक यू। गोल मटोल। थैंक यू। घूमने जाना जरूरी थोड़ा है, तो मैं देखा नहीं फेरे में क्या बोला कि इसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी होगी, जहाँ ये जाएगा वहीं तुमको जाना है। ऐसा तो वाइस वर्सा भी तो था। वाइस वर्सा क्या होता है? अनुलोम विलोम। हमें को पता है वैसा वर्षा क्या होता है। अनुख, तुम अब हिंदी में बताओ क्या होता है? बताओ। पैर उतले जमीन खिसक जाएगी, वैसा वर्षा को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। तुम हिंदी मीडियम वालों को हल्के में ले रहा है जरा, ठीक है, भले मेरी नौकरी नहीं है सबूगा नहीं निकला, लेकिन पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, ठीक है। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। क्या हंस कर रहे हो? इतनी देर में तो बात ही खत्म हो गई। और तुमने वो पढ़ा साइंस में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन? टेंथ में था। कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। डेबिट कार्ड पढ़ा तुमने? हाँ, बताओ क्या उसका डेबिट क्रेडिट का भी बताओ। तुम्हें हिंदी में नहीं आता होगा, क्या बोलते हैं डेबिट को? बोलते हैं ऋण। क्रेडिट को बोलते हैं? डेबिट को ऋण नहीं बोलेंगे, क्रेडिट को बोलेंगे ऋण। क्रेडिट को बोलते हैं उधार, ऋण मतलब क्रेडिट को बोलते हैं ऋण, डेबिट को बोलते हैं जमा। नहीं, डेबिट को क्या बोलते हैं? जमा है ना, और क्रेडिट मतलब जमा और उधार होता है, तो ये डेबिट को ये बोलते हैं और क्रेडिट को उधार बोलते हैं। हल्के में मत लेना पवन पहाड़ी को। हल्के में नहीं लूंगी, बहुत भारी, ठीक है। पवन पहाड़ी में कुछ तो खास हो लू मेर माँ, आ आ जो सी ये बड़ी मेरी ब्योली। नरेंद्र नेगी जी ऐसे थप्पड़ मारेंगे ना सर, तूने मेरे गाने की ऐसी तैसी कर दी। कुछ तो खास हो लू मेर माँ, हाँ
हाँ कुई त बात होली सुदत कुई न करन बेरोजगार छें ब्या बिना सोची समझी कुछ तो बात होलो मेर माँ जो सीए बड़ी मेरे ब्योली। देखते हैं दोस्तों, इंतजार कर रहे हैं हम, जाके तो रहेंगे हम। उर के पास है फिर बारिश रुकने वाली। उर के पास किसके? उर के पास। उर व्हाट इज उर? पहले से वो नहीं होते थे ना, ये वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम नहीं होता था, तो पहाड़ में उर होता था। मतलब एक ऐसा खानदान होता था जिसको ये शक्ति मिली होती थी कि उसके पूर्वज वो बना देते थे, मतलब वो बारिश करवा भी देते थे और बारिश रोक भी देते थे। कौन है तो वो? जैसे फसल काटने का टाइम होता था या किसी का ब्याह बरात होता था या गांव में भागवत हो रहे हैं, कथा रामायण हो रहा है, तो उनके पास जाते थे लीक सीख लेके, सारे गांव वाले चावल तेल अपने अपने हिस्से का देके वहां जाते थे उनके परिवार के पास, और फिर उनसे बोलते थे कि इतने दिन तक बारिश मत करवाना। और कहते हैं कि ऐसा अभी भी हैं वो लोग? अब उनके वो रहे हैं पूरा, तो वो ऐसे ही हो गए हैं कोई शराब। मतलब पहले के लोगों में शक्ति थी ना, आस्था भी थी और लोग परहेज से भी रहते थे, तो वो हो भी जाता था। अब उनके पूर्वज वो, अब उनके वो है मतलब पीढ़ी में तो है, लेकिन तो अब वही भनी गए हैं, शक्ति खत्म हो गई है। शक्ति तभी होती है ना जब इंसान में आस्था होती है और परहेज होता है। मेरा आईफोन लिबे रील बम में लग गए, होगी रील तुम्हारी, ये देखो पराठा भी बना दो फिर। सिर्फ रील रील बनानी आती है, पराठा बनाने भी? आज ब्रेकफास्ट बाहर कर रही हूं। ब्रेकफास्ट बाहर करने का प्लान था लेकिन नो, बट रेन हैज गॉन अवे। नो 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 रेन हैज नो रॉन नो रेन हैज गॉन अवे, इट्स छिटमिटाट पड़े छिटमिट। नहीं नहीं, छिटमिटाट हैज आल्सो गॉन अवे। नो 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 नो, जस्ट लुक एट आउटसाइड, वी कैन प्लान अ रूफटॉप ब्रेकफास्ट एट सम कैफे। At some cafe? Yeah, at some English breakfast, at some cafe. No, no, no. Cheat meat abhi bhi padding. No, no, no. No. These cheat meats are... You bhijing, then you have jukham hoing and my afat aying. This time I am only atta gooding and pocham, sorry, bartan majing. If you gone viral fever, then I have so many work, you know. No, no, she's also going on scooty, see? That girl is also, and we also have umbrella, you know. She is going in majburi. If they had, we if also she have has majburi not, that your wife can't cook. Nah, you can cook. If you can make reel, then you also make cook. But I don't want to. You are looking so beautiful. Thank you. But it's in, not in enough. This in when I'm looking so beautiful, I don't want to do anything. I just want to chill. Okay, you that's chill. Why I you don't chill. Do makeup often. So only looking beautiful and chilling, your plate bhering automatically? No, no, no. Chilling means having breakfast at some cafe. Okay, so you have a Zomato and Swiggy no, no, app. No, no, so I want to enjoy the ambience. Tere dhai hath dha meri, puji re kamra, mathu mathu hi tale, hai mare rataka. तो दोस्तों, रंजना की जीत के आगे झुकना पड़ा, अब पराठों का प्लान कैंसिल करना पड़ा है। थोड़ा सा छिटमिट बाहर पड़ रहे हैं, तो ये कह रही है कि ऐसी मी चलो बाहर, आज नाश्ता हम बाहर ही करेंगे और तब तक हमें कुछ काम भी निपटाने हैं, पासपोर्ट संबंधित वो भी निपटा लेंगे अगर मौसम ठीक रहा तो, उसके बाद हम पंगोर चलेंगे, वरना हम फिर अपने ही गोठ में आ जाएंगे यहाँ। प्रिया हट इसे ही कहते हैं दोस्तों, इस बरसात में भी मेरे को रेडी करके बाहर वेटिंग में खड़ा कर दिया है दोस्तों। मानना पड़ेगा, नहीं माने तो क्या करें, कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता ना हम लड़कों के पास। डीसी में है दोस्तों, यहाँ पे एक हेमा राठौर फोटो स्टूडियो एंड साइबर कैफे है, तो दादा मिले हैं, ये भी अपने गृह क्षेत्र से ही हैं, धर्मगढ़ से हैं। तो यहाँ पे हम अभी फोटो खिंचाने के लिए आए थे अपनी ब्योली के साथ, पासपोर्ट वाली फोटो खिंचाने आए थे दोस्तों, और दादा को मैं ब्लॉग में ले रहा हूँ क्योंकि हमसे पैसे नहीं ले रहे दगड़ियों। ये सुनील भाई हैं, आपका घर कहाँ हुआ? मुक्तेश्वर से है। ये मुक्तेश्वर से हैं दोस्तों, धर्मगढ़ जगरजन करिया अल्मोड़ा और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे दोनों भाई हैं, तो बहुत अच्छा लगा भाई लोगों से मिलके। तो दोस्तों, मौसम हल्द्वानी का बहुत खराब है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो हम थोड़ा सा अपना बाजार का काम निपटा के आ गए हैं मामा लोगों के वहाँ, रंजना के मामा लोगों के वहाँ। तो ठीक टाइम पे पहुँचे हैं दोस्तों, खाना खाने के टाइम पे। और तबीयत ठीक है? ठीक सही है। मैं कहा तुम के लगी शान सा भला ब्याह करी बजा को हमने रिसा गया। कौन रिसा गया? तुम कहाँ रिसा गए? तो वो पूरे 5 दिन तो सोमवार से शुक्रवार तक दो ऑफिस होता है। हाँ। उसमें सुबह सुबह खाना बनाने, सुबह पूरा दिन बोलो ना ना ठीक है, ठीक है। 12 बजे तक तो हम खाना वाना बनाने, साफ सफाई करने में रहते हैं। 12 बजे तक खाना वाना सब बना के हो जाता है, उसके बाद ऑफिस का काम होता है रात तक। टाइम ना मिला ने, अब मिला होनी है चक्कर, अभी मिला भान दे, मैं पिछुओ लड़ में रह जा, दिक्कत तो हो।
आप तो ये धल्ला खा ली ना बाहर क्यों डरेंगे यो कौन है तू फ्री तू ये कर कौन है किधर काम ना हाथी ना हर वी की वीडियो ले बढ़ाओ कौन है अब वीडियो ये काम बढ़ाओ क्या कर रही है आप थोड़ा तो तुम भी फ्री रहते ही हो तुम हाँ तभी तो कह रहा हूँ फिर तो बर्तन मांजने में क्या है जब मैं ऑफिस के साथ साथ खाना बना सकती हूँ तो तुम वीडियो के साथ साथ बर्तन नहीं मांज सकते बिल्कुल मांज सकता हूँ देखना है कश खपकट रहना है देखना है जवाब दे रहे तुम उनका खिला तुम बराबरी में सो तो अगर वो नीच से होने नहीं दें तो नहीं दें ना बराबरी यही हूँ ये हमारे वहाँ ना ना आदि मास्टर भाई मास्टर नहीं भाई दिल्ली बराबरी स्कूल उन्होंने कहा मास्टर आप वो कुने भाई जितने तगड़े नौकरी कर भी घर उन्हें ये मैं करूँ ये तो गलत है सही बात एक कम नहीं करूँ बराबर करूँ मैं पहली बार तस्नी होने वाले ना पहली बार शहर दब्बे रूही आपकी हीरो भाई जाओ नौकरी नहीं करने का और सुधा उठा काटना है किले किले हम दब्बे रूने भैया हमें ले क्या करिए नहीं आधीन भैया हम आदि में आधीन भैया किसी किसी ना आधीन ना तो ठीक करना है उखड़ा काट कर जब तक तुम तो ठीक न रहो तुम नदी तक पचा दिला अरे नाक मुख पान कर ली रहे मैं लीजिए की बात है मतलब क्या है इसका मतलब नाक में दम कर रखा है यहां सासले होने का समय यहां सोरा आती हो ये बोल हां जी भाई हमारे तुम बूढ़े सासले भैया मेरे की साथ हो पे उस सास भाई में उस सास भाई में बूढ़े सास भाई यो मेरा साऊ छु दगड़ियो वो मम्मी सास है मेरी बूढ़े सास ज्यादा तेज है कि तुम्हारी बूढ़े सास ज्यादा तेज है तुम्हारी बूढ़े सास ज्यादा तेज है मेरी है वो तो तुम उनको उसको टाइम नहीं मिला तुम्हें सिखाने का अगर टाइम तो चार पांच दिन रहे ना घर तो तक आमा तक बैठना उधर टाइम ना मिल ना तो तय क्लास ले ली बढ़िया आगे ना अब क्लास लेनी सुन तो मेरा ओए तुम्ही सिद्ध हाउ हिसाब है मैं हम आम है मैं सब पर सिद्ध भाई हूं कि ले जा तो मेरा हमने डबल भाई चल अगले सुन बारिक सुन नाच पात ना सुन सुन कोई लेकिन मन में सोच मन में सोचने कोई ना और आमक तस नहीं भाई लेकिन लक्ष्मी मिली वीक 1% अंश एम एल ए आ जाना मेरा अहो भाग आइए किस्मत सही ही मेरा किस्मत सही यह किस्मत खा लागो बलगाड़ जो मी मिली शिव कही लागो तो किस्मत तो दोस्तों लंच टाइम हो चुका है मामा जी भी पहुंच चुके हैं या आप देख सकते हैं लंच चल रहा है यहाँ पे बहुत बढ़िया खाओ रंजना आज रंजन में राजमा चावल कद्दू की सब्जी रायता और दशहरी आम यहाँ पे भोग में लगा रखे हैं दोस्तों मामी बहुत अच्छा खाना बनाती है दोस्तों फाइनली दगड़ियों लंच कर लिया लंच बहुत स्वादिष्ट था दगड़ियों आज मेरे को इतने दिनों के बाद हल्द्वानी आने के बाद खवैन लगी है दोस्तों वरना ब्रेड और दूध खा के तो पेट सूख गया था मेरा अब जाके थोड़ा सा तरैन लगी है दोस्तों कि मेरी साली साहिबा यहाँ पे लंच कर रही है क्या कर रहे हैं कौन सा अभी तो PUBG थोड़ा मेरे दर्शकों को बता दे PUBG की इम्पोर्टेंस के बारे में कम खेलना चाहिए जरूर PUBG खुद ये बात कहता है कि भाई कम खेलना चाहिए मतलब मैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा खेलता हूँ ये अच्छा और कुछ फायदा होता है खेलने का मतलब कुछ मतलब होता है इससे जैसे कबड्डी खेलते हैं तो लोग उससे फिजिकली स्ट्रांग होते हैं इससे कुछ होता है ऐसा मेंटली स्ट्रांग होते हैं सबसे तो रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाते हैं शूटिंग गेम खेलने से और IIT निकाले देखो खेल खेल के मैंने ये झूठ बोल रहा है दोस्तों इसकी बातों को सीरियसली बोल ले रहा इसने कहा आज तक अब जाके इसने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया है एक तो ऐसा होता ना कि प्रिपरेशन के नाम पे लोग अपने चलते हुए अकाउंट बंद कर देते जैसे साली साहिबा ने कर दिया था इसमें 1 मिलियन फॉलोअर हो गए थे इसके दोस्तों वो अकाउंट डिलीट कर दिया था इसने जबकि ये अभी खाली शमूगा की तैयारी कर रही है उसके बाद भी लेकिन ये बंदे का आज तक सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं था मतलब ये देखिए यहाँ पे मामा भांजे की कॉज बहुत मामा के नाम के इतने कमेंट आए ना आया नहीं अंकल ने तो महफिल लूट ली एक्सप्रेशन का तो खतरनाक है रहा यार गजब कर दिया बाबा जी आप मामा मामा का डांस करते हैं एक बार ऐसे कभी कभी हो जाता है ना नहीं तुम दिन लगाते थे राइट सी लगाई तो नहीं थी उस दिन हो जाता है गजब कर गया यार उस दिन भाई को क्या हुआ सच में इनका कांटा लगा देख के बहुत मन कर रहा था डांस कैसे कर रहे थे कांटा लगा
पीछे क्या है नैन कांटा लगा है तो दोस्तों मैंने मामा की खिसा लगाई, अभी अपनी सास की लगा बनो तेरी अखिया ऐसे थोड़ी था, ऐसे था वो नहीं बनो तो बहुत सीरियस है सीरियस और ताई जी ना अपने में ही करती है। हाँ ताई जी को अपने आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं होता, कोई है नहीं है और वही घूमते रहेगी जैसे करके और ताऊजी खरीदारी के रहे वो ताई ताऊजी अरे वो बल एलईडी वाला है एलईडी वाला पंखा था वो। कन्यादान के समय डांस देखा आपने पांडे जी का और इनकी भाभी की पापा का डांस? मजा आ गया बहुत ही बढ़िया। कल मेरी दोस्त का परसों आया था, कह रही मैं तुम्हारे दुल्हो का ही डांस देखने में हूँ। मेरे बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो अपनी फ्रेंड को देख रही है उसके दुल्हो लगा लो वहाँ इतने फेमस हो गए हो तनर दगड़ू तुम्हारा डांस ही देखने अब तुम एक बार उका देख आओ जड़दा के पति कैसे बोलते हैं तुम्हें काजल कश कहते बुलाते बरात बड़ी अच्छा बोलो अरे हाँ एलईडी वाले में हाँ मेरे भतीजे ने कह दिया तो गाइस मामा लोगों के वहां से विदा लेते हैं और अब हम जा रहे हैं अपने न्यू डेस्टिनेशन पे। रंजना को थोड़ा सा घुमा के लाता हूं दोस्तों, घर गृहस्थी बनानी है तो घुमाना फिराना पड़ेगा वरना काम नहीं चल पाएगा दोस्तों। फिलहाल मामा जी भी यहां पे रेस्ट कर रहे हैं। तो यही थे वो जो कांटा लगा वाले में डांस कर रहे थे। तो मामा जी अगली बार डांस कब होगा यार? तेरे भैया की शादी में सोच रहा हूँ मैं, सुमित की शादी में। सुमित की शादी में क्योंकि रंगत आती है पहाड़ में ही ना, पहाड़ में ही ना, यहाँ नहीं हो पाता। और वो आपने डांस कहीं कोई डांस क्लास ज्वाइन करी यार? नहीं तो या कुछ अमृत आपने गटका था वो मौसम बन जाता है पहाड़ों में, मामा जी का उस दिन मौसम बना था दोस्तों। और जो डांस किया है ना ब्योली का डांस फेल कर, उस डांस की भी हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। और मामी तो है ही हमारी सुशील एवं सुंदर दगड़े, मामा बहुत भाग्यशाली है। तुम्हें कभी यह सोचा मां कि तुमन का इदु बढ़िया ब्योल मिले, इदु बढ़िया मामी मिल गए, कभी सोचा तुम्हें? यार हमारे टाइम में ताऊजी क्यों नहीं थे, हमारे टाइम में वो इस बाबू देख ले भैया तिलने मिला है, उन्होंने कहा जा आ जा शादी करने। हां जब फेयर होने गए दिखने कॉस्ट्यूम, लेकिन मामी पहले की तुलना में अब ज्यादा सुंदर हो गई। उसमें बिल्कुल बहुत दुबली पतली, मेरे से भी पतली थी, अब तो ठीक हो गया। फिर अब खाते पीते घर में आ गए, ठीक हो गई। पहले गलाई गला दिखता था, अब गलाई नहीं दिखता। सचिन बोला पहले गलाई गला दिखता था, अब गलाई नहीं दिखता। ये भी सही है। अब मोटापा हो गया। खा 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 खा। तो बहुत अच्छा लगा मामा लोगों से मिलके भी। तो मेरा तो एक तरह से ससुराल दोस्तों यही है, क्योंकि वैसे मेरा जो रियल ससुराल है वो बहुत दूर है दोस्तों, ठीक है। और इतनी आवागत कर देते, इतनी इज्जत कर देते, मेरा बार बार जाने का मन भी नहीं करता दोस्तों। मतलब तो कहाँ रोज आओ यार, रोज आओ भैया, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब तुम यहाँ आ जाते हो। सही में मेरी सासू माँ तो मुझसे इतना प्यार करती है दोस्तों, मतलब क्या बताऊँ तुम्हें। फूल जैसे भगवान राम के लिए शबरी ने ऐसे फूल बिछाए थे ना, वैसे मेरे इंतजार में ऐसे फूल बिछा के रखती है नीचे लिफ्ट में, से ही ऐसे फूल आते हैं दोस्तों ऊपर को, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद ही वो लगता है थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। हाँ लगता है कि यार खाली इनको तकलीफ क्यों दें ऐसे करके। तो इनके साथ थोड़ा सा घर वाला, हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ तो आना जाना है सबसे। यार नानी को कैसा कर देती है, दो दिन में हर रोज पूछते हो खाया नहीं खाया, बात हुई नहीं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। हाँ ना आया नहीं है, दिया कहती है फोन आ गया है, फोन आ गया, मेरी बात हो। बिल्कुल नानी भी कुशल बात पूछती रहती है और रंजना को अंतराज पंतराज बताते रहती है कि ऐसे करना है, बिंदी लगाई नहीं लगाई, सब कुछ याद दिलाती है रंजना को, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है। परदेश में आप लोग ही हो, फिर मामा भी तुम्ही ठहरे, ससुर जी भी तुम्ही ठहरे, सब कुछ तुम्ही। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कन्यादाना तो मिला करीब है, बिल्कुल मैल करी है। और तेरा जैसा जमाई हमें मिला है, सुख दुख का साथी है। तू यार तेरा जैसा आदमी कहां मिलता, तुमने आज नहीं जब जगह पांव टूटा था उसमें इतनी मदद करी तुमने, तब ऑपरेशन हुआ सब कुछ हुआ। अरे ना? कोई नहीं, वो मेरा फर्ज था। तो फिर तो ये है, जब उस समय मदद करी तो अब तो अब रिश्तेदारी हो गया यार। सही बात, अब तो हक है आपका, हक है, अकड़ के कहेंगे हम, अकड़ के काम के लिए ना, ये है यार। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, बाकी की फसक फराव बाद में करेंगे। बाय बाय।